नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। स्वर्ग से धरती पर गंगा लाने वाले तपस्वी राजा भागीरथ को कौन नहीं जानता। उनके प्रयासों के कारण ही भारत के लोग, लाखों लोग सालों से माँ गंगा में स्नान, पूजन और आचमन से पवित्र हो रहे हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लगातार किसी सत्संकल्प को लेकर काम कर रहा होता है तो उसे भागीरथ ही कहते हैं। ऐसे ही एक आधुनिक भागीरथ थे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जन्म कब हुआ यह तो पता नहीं, पर वे बिहार के गया प्रखंड स्थित गहलोर घाटी में रहते थे। उनके गांव अत्री और शहर के बीच एक पहाड़ था जिसे पार करने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। 1960 में दशरथ मांझी की पत्नी फगुनी देवी गर्भावस्था में पशुओं के लिए पहाड़ से घास काट रही थी और उस दौरान उनका पैर फिसल गया। दशरथ उसे लेकर शहर के अस्पताल गए, पर दूरी के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह बात दशरथ के मन में बहुत तेज लगी और इस बात से वो बहुत आहत हुए। उन्होंने निश्चय किया कि जिस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है उस पहाड़ को काट कर उस बीच वो रास्ता बनाएंगे, जिससे भविष्य में किसी अन्य बीमार को अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु ना हो जाए। उसके बाद सुबह होते ही दशरथ औजार लेकर जुट जाते और पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते, सुबह से दोपहर होते और फिर शाम, पर दशरथ पसीना बहाते रहते। अंधेरा होने पर ही वे घर लौटते। लोग समझे कि पत्नी की मृत्यु के बाद इनका मस्तिष्क पर चोट लगा है, इनको आघात लगा है, जिस कारण ये ऐसे हो गए हैं, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कई बार दशरथ को समझाना चाहा, पर वे उनके संकल्प को शिथिल नहीं कर सके। अंततः 22 साल के लगातार परिश्रम के बाद पहाड़ ने हार मान लिया। दशरथ की छेनी हथौड़ी के आगे 1982 में पहाड़ ने घुटने टेक दिया और रास्ता दे दिया। यद्यपि अब तक दशरथ मांझी का यौवन बीत चुका था, पर 20 किलोमीटर की बजाय अब केवल 1 किलोमीटर की पगडंडी से शहर पहुंचना संभव हो गया था। तब मजाक उड़ाने वाले लोग उनके दृढ़ संकल्प के आगे नतमस्तक हो गए। अब लोग उन्हें साधु बाबा के नाम से बुलाने लगे थे। दशरथ बाबा इनके बाद भी शांत नहीं बैठे। अब उनकी इच्छा थी कि यह रास्ता पक्का हो जाए, जिससे पैदल चलने वाले के बजाय इस पर वाहन चल सके। इससे श्रम और समय की भारी बचत हो सके, पर इसके लिए उन्हें शासन और प्रशासन की जटिलताओं से भी लड़ना पड़ा। वे एक बार गया से पैदल दिल्ली भी गए, पर सड़क पक्की नहीं हो सकी। उनके नाम की चर्चा पटना में सत्ता के गलियारों तक पहुंच तो गई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्हीं सब समस्याओं से लड़ते हुए दशरथ बाबा बीमार पड़े। क्षेत्र में उनके सम्मान को देखते हुए राज्य प्रशासन ने उन्हें दिल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 17 अगस्त 2007 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। गांव रेलवे स्टेशन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी कर्मभूमि गहलोर घाटी में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें भू समाधि दी गई। राज्य शासन ने उन्हें पद्मश्री के लिए उनके नाम की अनुशंसा की। दशरथ मांझी की मृत्यु के बाद बिहार के बच्चों के पाठ्य पुस्तक में यह पाठ जोड़ दिया गया, जिसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। यह बात दूसरी है कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले इस आधुनिक भागीरथी के संकल्प का मूल्य उनके जीवित रहते प्रशासन नहीं समझ सका। हम सब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है। अगर आप यह हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।